कराची फूड स्ट्रीट का शहर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कराची विज़िट करें और वहाँ के खाने ना खाएं? अरे ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी इस शहर के साथ, और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो आप कभी मिस नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्ताने अजीज, आज वंस अगेन हम अपने फूड टूर पे निकले हैं। हमारा फूड टूर कंटिन्यूड है, और फूड टूर में जब तक के ये चीज पूरी ना हो तो फूड टूर इनकम्प्लीट है। यानी कि मनपसंद के गोलगप्पे जो कि इस वक्त पूरे कराची में वायरल हुए हुए हैं, इसलिए कि इसका टेस्ट बहुत मजेदार है और बहुत यूनिक फ्यूजन टेस्ट है। ये जो है ना पूरे गुलशन, बल्कि गुलशन में तो ये एक ही ब्रांच है मस्कन चौरंगी के ऊपर, पूरे कराची से लोग आ रहे हैं, बल्कि कराची से नहीं अब तो पूरे पाकिस्तान में भी मशहूर हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को अपने कारोबार में बरकत दे। मगर ये शुरू हुआ था एक छोटे से जो है कियोस्क या बूथ या ठेले से, और अब ये जो है ना 3 दुकानों पर मबनी बहुत बड़ा एक जो है ना वो ये रेस्टोरेंट की शक्ल अख्तियार कर गया है। और हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के ओनर से और उनके जो है वो सक्सेस स्टोरी हम आपको बताएंगे। यहाँ के खास मुनफरिद गोलगप्पों के पीछे इनका एक खानदानी सीक्रेट फार्मूला है जो कि यहाँ के जायके को सबसे अलग करता है, और ये गोलगप्पे आप कहीं पे भी चले जाएं ये जायका मजा लेके आपको कहीं और मिल सके। बिस्मिल्लाह, मुझे स्टार्ट किए हुए ये तकरीबन 14 साल हो गए मुझे यहाँ पर, और नीचे फुटपाथ पर मैंने लकड़ी के टूटे फूटे काउंटर से काम करना स्टार्ट किया था। और दूसरी चीज जो आपने कही कि 4 चांद कैसे लगे, उसके पीछे सबसे पहले ईमानदारी और सच्चाई। अगर सच्चाई और ईमानदारी से आप काम करेंगे कोई भी काम मुश्किल नामुमकिन नहीं। कि मैंने आपके गोलगप्पे उस वक्त से खाने स्टार्ट किए थे जब आप बाहर केबिन में होते थे, और आप और आपके छोटे भाई आई थिंक दोनों मिलके ही वही सर्व करते थे, वही काम करते थे। तो ये मैं इसको वाकई में आपकी ईमानदारी और अल्लाह का इसको इनाम समझूंगी। आपने 12-13 साल पहले 14 साल पहले भी हमारे मेरे गोलगप्पे खाए थे, और आज भी आपने गोलगप्पे चाट मेरे ट्राई किए, तो आपको टेस्ट में क्या फर्क लगा आप मुझे ये बताइए। नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पहले खाए थे, और मेरे बाहर से गेस्ट आते रहते हैं और मैं उनको यहाँ लाती हूँ स्पेशली, और माशाल्लाह से आपके गोलगप्पों की पूरी दुनिया में धूम है। क्योंकि जो भी मेरे पास आपने प्रोडक्ट टेस्ट किया है ये तमाम चीज़ें होममेड है, मेरे घर पे तैयार होती हैं। इसमें तो अभी आ गए हमारे वो गोलगप्पे जो है ना पूरे कराची में मशहूर है, और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अब आपको बहुत कम गोलगप्पे मिलते हैं कि जिसके अंदर पूरे गोलगप्पे फुली भरे हुए होते हैं। इसमें कई किस्म की चीज़ें हैं इसके अंदर, आपकी जो है ना वो प्याज और टमाटर और ऑफकोर्स जो जिसके चने होते हैं वो इसमें भरे हुए, और इनका पानी भी बड़ा मशहूर होता है जिसको तो पी भी लिया जाता है बाद। तो मुझे बहुत ज्यादा बोला गया कि यहाँ गोलगप्पे जरूर ट्राई करें, मन पसंद से गोलगप्पे। तो गोलगप्पों का ये है कि इसको जो है ना जैसे ही आए फौरन खा लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर जो है फ्रेशनेस इनकी इसका जो सामान इसमें भरा हुआ है उससे कम हो जाती है, वो कड़क ना कड़क जो होता है ना कड़कपन वो चला जाता है। तो लेट्स ट्राई। इसके अंदर आपको जो है वो पूरा
फ्लेवर्स का टेस्ट मिल रहा है आपको, जो है वो हरा धनिया और पुदीना और प्याज और चने और ये जो पापड़ी है और ये पानी पानी पूरी जिसको कहते हैं, पानी पूरी भी इसको कहते हैं, वो एक बैलेंस डिश देख रहे हैं आपको मिल। कोई ब्रांच नहीं है तो आगे कोई आपका है ऐसा प्रोग्राम कि आप कोई और ब्रांचेस वगैरह मतलब स्टार्ट कर रहे हैं कहीं और किसी और एरिया में? अभी फिलहाल तो हमारी मनपसंद फूड वैली मस्कन चौरंगी पे यही ब्रांच है, बाकी आप लोग थोड़ा सा मौका मुझे देंगे तो मैं और कहीं और भी काम करूंगा, यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती। इंशाल्लाह इरादा है कुछ अच्छे इलाकों में और ज्यादा काम करने का और ज्यादा अपनी ब्रांचेस खोलने का, तो कोई जगह मुझे अच्छी लगेगी तो मैं लाजमी वहाँ पर भी अपने। ये था हमारा आज का फूड का टूर, आज का रिव्यू जो कि हमने खाया भी, जाहिर टेस्ट भी किया, ट्राई भी किया और हमें बहुत मज़ेदार लगा ये। विदाउट अ डाउट आप सब लोग यहाँ आए, दिस मस्ट विजिट प्लेस इन कराची, स्पेशली इन गुलशन इकबाल। अगर आपको गोलगप्पे पसंद है या उस स्टाइल की चाट या दूसरी चीज़ें या दही बड़े या दही भल्ले पसंद हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ आप, यू विल थैंक मी लेटर। और इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।